फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन की वो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम अगर ऑटोमेटिक अप एंड डाउन होने लगती है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिक कम या ज़्यादा होने लगती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। यहां पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, बैक पेज पे जाना है, ठीक है। तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, इसी के नीचे आपको एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर भी आपको स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है, यहां पर भी आपको क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो ये भी आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की Gmail ID और Gmail ID का पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।